जब गांव में लाइट नहीं थी तब दिया वगैरह रखने के लिए यूज किया जाता था और इसको हम लोग बियर ऑफ बोलते हैं। मुझे पता चला कि इमरजेंसी केसेस भी संभाले गए हैं और ये पिलर का जो डिजाइन देख रहे हैं आप, ये सिंगल पत्थर को कटिंग करके बनाया गया है, इस तरह का ये रॉड लगाया गया है, इसको पकड़ के लोग चढ़े। चलिए हम छोटा सा सोफा उस समय का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूँ इटाढ़ी प्रखंड के इंदौर गाँव में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा दोस्त है सौरभ, उसी के घर पे आए हुए हैं, पुराना से घर है। ये देखिए डिजाइनिंग पूरा कितना अच्छा हुआ, ये देखिए ये जो काम हुआ है पहले का, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसका डिजाइनिंग किया गया है। और आवाज आ रहा है कि नहीं? चलो आ रहा, दूर से कम ही आ रहा होगा। चलो और चलिए मैं आपको अभी घर के अंदर ले चलता हूँ और अंदर कुछ दिखाता हूँ। ये बहुत पुराना, मुझे लग रहा है कि 60-70 साल पुराना घर होगा ये। तो कुछ यूनिक इसमें, ये देखिए दरवाजे पे ये डिजाइनिंग किया गया है। ये पहले जब गांव में लाइट नहीं थी तब दिया वगैरह रखने के लिए यूज किया जाता था। इसको देखिए कितने अच्छे तरीके से, और इसको हम लोग बियर ऑफ बोलते हैं। हमारे गांव में विधा को भी है बियर ऑफ, या कुछ सर सामान रखने के लिए यूज होता है। ये दरवाजे से पहले तरफ बनाया गया, और ये देखिए दरवाजा जो है कितने अच्छे से डिजाइनिंग किया गया है छोटा सा। तो चलिए अभी हम अंदर आते हैं इसके, और जैसे ही अंदर घुसते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिस्पेंसरी दिख जाएगा, देखिए। और यहाँ पे गाँव का मतलब ये और शहर से दूर है, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि इमरजेंसी केसेस भी संभाले गए हैं। और सौरभ का अंकल है जो डॉक्टर है, वही देखते हैं। अभी यहाँ पे डिलीवरी भी हो गई पूरे इसी बेड पे। और ये आप दीवारें देखेंगे, मिट्टी की दीवार है। ये रूम भी बहुत ठंडा है, मतलब इसमें गर्मी का कोई चांस नहीं। और ये देखिए चौड़ा कितना है, 20 इंच बोला जा रहा है कि नहीं, 20 इंच से भी चौड़ा है पूरा दीवार, तो देखिए। और ये भी दिया रखी है या अलमीरा कर लीजिए इस समय का जो भी है। तो चलिए अभी हम बाहर ले चलते हैं और कुछ भी दिखाते हैं। अंदर की डिजाइनिंग जो है बहुत सुंदर है, और यहाँ पे आते भी है देखिए ये कितने अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और ये रास्ता भी अंदर चला जाता है इस साइड में। और अभी फिलहाल उधर लैट्रिन बाथरूम बना दिया गया है नया। और ये हम आ गए ये बरामदे में, ये बरामदा है। और ये पिलर का जो डिजाइन देख रहे हैं आप, ये देखिए कितना सुंदर। ये मुझे लग रहा है ये पत्थर है, पत्थर काट के सिंगल पत्थर को कटिंग करके बनाया गया है इस तरह का। और चारों तरफ देखेंगे इधर का पूरा सेम डिजाइन है, और ऊपर भी देखेंगे ईट से ही डिजाइन बनाया गया है। ये देखिए ऊपर का डिजाइन जो है, और पिलर, और इसी में ये छोटा सा चापाकल। और ये आंगन में देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमको शहरों में हमारे घर में देखने को नहीं मिलता, ये देखिए ये सेम जो सब्जी हम लोग खाते हैं सेम वो है, आंगन में लगाया गया, छत पे इसको चढ़ा दिया गया। और ये फूल अहोल का फूल है, और कनैला हम लोग बोलते हैं जो वो फूल। और ये देखिए सीढ़ी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है यहाँ की सीढ़ी देखिए किस तरीके से बनाई गई है। उस जमाने में ये रॉड लगाया गया है कि इसको पकड़ के लोग बिल्डिंग, इसको पकड़ के लोग चढ़े। चलिए हम भी ऊपर चलते हैं, सीढ़ी से हम लोग आ जाते हैं ऊपर। और ऊपर आते ही हमारे साइड में एक रूम दिखता है, और रूम में फ्रेंड्स ये देखिए छोटा सा सोफा उस समय का, पुराना स्टफ। ये देखिए मतलब मुझे लग रहा है कि आज से 40 साल पहले का ये सोफा है, आप देख पाएंगे छोटा सा। और इसमें पूरा मतलब स्टोर रूम टाइप का सामान वगैरह रखा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोग शायद जानते होंगे, ये कद्दू हम लोग बोलते हैं, लौका या भतुआ ये बोला जाता है इसको। तो फ्रेंड्स इसको सुखा के रखा जाता है, इसका बीज निकाला जाता है, और इसको फिर मतलब बोया जाता है फिर नया पौधा उगाने के लिए। इसी के लिए इसको देखिए कितना अच्छा संजो के रखा गया है। फिर यहाँ से बाहर निकलते इधर भी एक रूम है, इधर भी देखेंगे यहाँ पे रूम है। अंदर तो इसमें पेंट वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा है ये। ये देखिए छोटा सा रूम, ये खिड़की से आप बाहर देख पाएंगे इस साइड, मस्त हवा, इसमें से ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। देखिए इधर खड़ी हम ही लोग, इधर देखिए बाहर पूरा डिजाइन। और ये उस समय का अलमीरा है, और ये लकड़ी जो लगाया गया मेरे हिसाब से लग रहा है कि दरवाजा लगाने के लिए लगाया गया अलमीरा में। और ये देखिए जो भी है सब मिट्टी और लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इतना मस्त ही मतलब लग रहा है फ्रेंड्स की, मतलब मजा आ गया सौरभ के घर आकर। और इधर आइए आप लोग, और यहाँ पे देखिए ये चीज इतना खूबसूरत लग रहा है जो है, ये मतलब आज के मिस्त्री जो है उनको बनाने में पसीना छूट जाएगा। और बना भी दे रहे हैं लोग क्योंकि मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो बना हुआ है हाथ के इस्तेमाल करके बनाया गया है। और ये इस चीज की डिजाइन देखिए आप, एक बार इधर दिखाइए, ये चीज देखिए आप, ये पत्थर का ही बनाया गया है। कितने अच्छे तरीके से इसकी कटिंग की गई है, उस वक्त मशीन भी नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी इसका जो ये राउंड शेप आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से काट करके बनाया गया है। और यहाँ पे भी एक छोटा सा रूम है सेम हम लोग आपको दिखाए उधर। और ये है सौरभ का रूम,
सौरभ कहाँ पे आता है तो इसी रूम में रहता है, अपने रूम में बेड है छोटा सा, ये कुछ अलमीरा टाइप का है, और यहाँ पे भी ये लकड़ी वाला जो अलमारी हर एक रूम में है यहाँ पे है ये, और वो दिया रख, और देखिए बिजली का फैन भी लगाया गया, सीलिंग फैन जो है, और ऊपर की जो ये डिजाइनिंग फ्रेंड्स आप देखेंगे ये लकड़ी और पट्टिया पे जो भी रखा गया अभी भी उतनी ही मजबूती से ये घर खड़ा है, और ये चीज आप देखिए ये सिस्टम, ये भी दिया रखी है, दिया वगैरह रखने के लिए उस समय बनाया गया है। यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे बाहर, और बाहर आते ही ये दो पार्ट में बटा हुआ है, ये एक मेरे हिसाब से लग रहा है कि लोगों के लिए टाउन के लिए बनाया गया है, ये हाइट छत दिया गया है, ये भी छत है और किनारे पूरी बाउंड्री की गई है, बाहर से कोई मतलब छत में देख नहीं पाएगा, पाँच लोग आए तो पाँच लोग यहाँ पे जो छत पे क्या कर रहा है वो देख नहीं पाएंगे, ये पूरी बाउंड्री और बाउंड्री में भी अच्छी डिजाइनिंग की गई आप देख पाएंगे, ये पूरा देखिए यहाँ पे छोटा सा स्टेप दिया गया नीचे आने, डिजाइनिंग भी देखिएगा आप, ये देखिए ईंट से ही बनाया गया है, जो आजकल हम लोग स्टील लोहे की रेलिंग जो लगा रहे हैं वो ईंट से ही बनाया गया है, और यहाँ से आंगन का व्यू देखेंगे आप बहुत सुंदर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से, और वो एक सामने से गोल राउंड करके बनाया गया, मतलब बहुत अच्छा लगा घर देख के, और ऐसे घर अब बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन अच्छा फ्रेंड सौरभ का घर, तो चलिए हम सौरभ से ही जानते हैं कि मतलब उसको अपने घर में आकर के हम, मुझे लग रहा है 3-4 साल बाद घर पे आया आपने, तो पुराना घर अपना देखकर इसको कैसा लगा, चलिए उससे ही जानते हैं। तो ये देखिए हमारे बैक कमरे में आ गए हमारे सौरभ जी, खबर काफ़ी दिनों बाद हम आए थे 19 के बाद, और लास्ट टाइम से पहले काफ़ी पहले छोटे से बचपन में आए थे 7-8 साल के, और अभी तक 2-3 बार ये लोग कम आते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। अपना घर देख के कैसा लगा आपको पुराना वाला? बस काफ़ी खुशी हुआ, मस्त है ना, अभी हम लोग अच्छा फीलिंग आता है। अभी हम लोग फ्रेंड्स आए हैं एक शादी में, तो शादी में आए तो सौरभ के घर पे आ गए और पूरा घर सौरभ का देख लिया, देखिए व्यू कितना अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और वीडियो देखिए और घर देखकर बताइए कितना अच्छा लगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा सौरभ का घर, और ये इंदौर गांव में पड़ता है और प्रखंड पता नहीं इटाड़ी है, इटाड़ी प्रखंड है ना, ये इटाड़ी प्रखंड में ही है गाँव, तो अच्छा लगा मुझे आके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और इन्जॉय कीजिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए।